औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो बआसानी आपको मिल सके। आज जो मैं आपको अमल बताने जा रही हूँ बहुत प्यारा, बहुत नायाब है, आप की ही फरमाइश पर अमल मैं आपको पेश करने लगी हूँ। अच्छा, अगर आपको प्रॉब्लम है या आप अमल नहीं कर सकते तो आप हमसे भी मदद हासिल कर सकते हैं। अपनी मुश्किल के लिए कोई भी किसी भी किस्म की परेशानी है, सबसे पहले आपको इस्तखारा करवाना चाहिए ताकि आपका जो मसला है वो अच्छे तरीके से हमें पता लग जाए, तो फिर ही हम आपकी मदद करें। ठीक है, तो आपने सबसे पहले ये करना है कि आपने हमसे मदद लेनी है तो इस्तखारे में अपना नाम, अपनी वालदा का नाम और जिस शहर में, मुल्क में आप रह रहे हैं उसका पता भी आपने सेंड करना है ताकि प्रॉपर जिनसे आपकी मदद की जा सके। सारा मसला भी आप बयान करें डिटेल से कि आपको प्रॉब्लम क्या आ रही है, तो इंशाल्लाह ज़रूर मदद की जाएगी। और आज जो मैं आपको वजीफ़ा बताने लगी हूँ, अपने प्यारों के दिलों को मोड़ने के लिए, मुसख़र करने के लिए, मोहब्बत को उजागर करने के लिए, ख्वाह वो मियाँ बीवी हैं या कोई और रिश्ता है या ऐसा रिश्ता है जिसको जो आपसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गया, रूठ गया, अगर आपके कोई अजीज़ वक़ारिब भी नाराज़ है उनके लिए भी ये आप कर सकते हैं अमल, बहुत नायाब। अगर कोई दुश्मनी पर भी उतर आया है उसके लिए भी ये अमल करें, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से आप देखिएगा कि कितनी जल्दी इससे फ़र्क पड़ता है। और एक बात याद रखिए, इसको नाजायज़ इस्तेमाल ना करें और इसका गलत इस्तेमाल ना करें या इन लफ्ज़ों को उल्टा पलटा करना पड़े, अमल को ख़राब नहीं कीजिएगा। और इजाज़त एक दफ़ा अमल की ज़रूर ले लीजिएगा अगर आपको किसी भी किस्म का मसला है, जिन्नात का या जैसे कारोबार की बंदिश हो जाती है, रिश्तों की बंदिश हो जाती है, रिश्तों में नाइतफाक़ी पैदा हो जाती है या किसी भी किस्म का जो है बाहर जाने की प्रॉब्लम होती है, मियाँ बीवी की प्रॉब्लम होती है, रिश्तों की प्रॉब्लम होती है, तो ज़रूर एक दफ़ा इस बहन को याद कीजिएगा, इंशाल्लाह आपकी भरपूर मदद की जाएगी। अच्छा, अब आपने क्या करना है, एक अंगूठी लेनी है। अंगूठी एक मतलब कि अंगूठी ऐसी हो जिसके अंदर नग लगा हो, नगीना या हकीक, मर्द हजरात जो उनसे हैं ज़्यादातर जो उनते याकूत हो जाता है या मतलब कि ये हकीक होते हैं या इस तरह की चीज़ होते हैं, इस तरह की कोई आपने रिंग लेनी है ना, अंगूठी लेनी है। अब आपने वो लेनी है, वो मतलब कि हो नग, लड़कियाँ भी अगर ले रही हैं तो नग हो, बड़ा सारा जैसे एक पत्थर लगा हो या नग लगा हो ना ऐसा। अब आपने उसके नीचे जो उनसा है किसी पेंट से या फिर मार्कल से या जिससे आपको मुनासिब लगे, लेकिन यह कि 7 दिन तक वो मिटे नहीं, 7 दिन तक वो मिटे नहीं, तो आपने क्या करना है, छोटा सा आप मार्कल ले लीजिएगा, मार्कल से आपने ना छोटा सा लिख देना या रहमानु या रहीम, या रहमान या रहीम, ठीक है ना। अब आपने लिख दिया और नीचे जो उनसा है ना उसके सिर्फ 786 लिख दीजिएगा, 786 यानी बिस्मिल्लाह शरीफ का जो मतलब कि काउंट किया गया था वो 786 था, आपने 786 लिख देना है। अब वो रिंग आपने पहन लेनी है अपने हाथ में, रिंग पहन लेनी है कम अज कम रोजाना 5000 से 6000 मरतबा या रहमान या रहीमों का विर्द आपने करना है। और जब आप अपने क्वांटिटी को पूरा कर लें, कम से कम 5000 से ऊपर हो जाए, कम ना हो, अब आपने पूरा कर लिया। अब आपने रात को अगर आप सोने लगे हैं तो उससे पहले अगर आप पढ़ रहे थे तो जब भी आप दिन में भी सोएं तब, लेकिन दुआ करके सोएं, तसव्वुर में उस शख्स को बुलाकर उसके पर फूंक मार के सोएं, अगर नहीं है तो अगर कोई तस्वीर है तो तस्वीर पर फूंक मार के सोएं, आप यकीन माने कि वो प्यारा इंशाल्लाह इंशाल्लाह जहाँ कहीं भी होगा आपसे रब्ता भी करेगा और आपसे मिलने भी आएगा इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। एक दफ़ा ये अमल ज़रूर कीजिएगा। और एक बात याद रखें, नजायज़ इसका इस्तेमाल ना कीजिएगा। और अगर कोई परेशानी, दुख तकलीफ है, अगर किसी किस्म का मसला है तो ज़रूर याद करें, अमल चलते फिरते वाला अमल है। अंगूठी आप जो तैयार करेंगे वो पीर, जुमा, जुमेरात और बुध वाले दिन आप तैयार करें, मंगल हफ्ता को ये अंगूठी तैयार ना कीजिएगा, ठीक है। अगर चांद के पहले दिनों में तैयार करेंगे तो ज्यादा मुजिब है, अगर आप चांद के घटते दिनों में करेंगे तो फिर 14 के बाद ना करें, ठीक है ना, 14 के बाद ना करें। तो इस चीज का बस ख्याल रखिएगा, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।